ये है सहारा डेजर्ट। यहाँ मीलों दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, पर इस सूखी रेत पर ये निशान कैसे? ये निशान है फेनिक फॉक्स के पैरों के। फेनिक फॉक्स सहारा डेजर्ट में रहने वाली एक छोटी सी लोमड़ी है। सहारा डेजर्ट में रेत हीट एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा होता है। ऐसे में फेनिक फॉक्स की बॉडी का लाइट कलर और छोटा साइज हीट को जल्दी रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा हीट को शेड करने के लिए फेनिक फॉक्स के लंबे कान एयर कंडीशनर का काम करते हैं। कानों के ब्लड वेसल्स खून को ठंडा करके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। फेनिक फॉक्स रेत के अंदर गुफा बनाकर रहती है और केवल शिकार करने के लिए बाहर निकलती है। शिकार करने के लिए ये रेत पर जिग जैग मैनर में काफी तेज दौड़ती है। फेनिक फॉक्स के लंबे कान काफी सेंसिटिव होते हैं, जो दूर से ही अंडरग्राउंड प्रे की आवाज को सुन लेते हैं, जिससे शिकार करने में मदद मिलती है। फेनिक फॉक्स केवल बारिश के दौरान ही पानी पीती है और अपने प्रे की बॉडी से मॉइस्चर लेकर जिंदा रहती है।